नमस्कार सर, आपका नाम? राजपाल सिंह। आप कहाँ से हैं? कमला नगर आगरा। क्या करते हैं आप? मैं वैद्य कार्य करता हूँ। वैद्य यानी डॉक्टर हैं आप? वैद्य में। कहाँ पे है आपका क्लिनिक है? दयालबाग आगरा। आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं सर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वो होते हैं जो अपने फील्ड से, अपने सिलेबस से परिचित होता है, तो ऐसे गुरु की फील्ड की जब हम बात करते हैं तो गुरु वही है जो अपने सिलेबस से परिचित हो, वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और एकमात्र पूर्ण गुरु हैं पूरे विश्व के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है साहब, इनको ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसकी नॉलेज न हो। मतलब संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबसे विद प्रूफ के जो कुछ लिखा है इन्होंने लिखा है, एक पंक्ति भी बिना प्रूफ के नहीं लिखी है इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान? समाज सुधार में एक तो ये शादियों का है, इसमें दहेज वहेज बिल्कुल जो है इन्होंने नियम बना रखा है कि कोई दहेज न लेगा न देगा, सबसे बड़ा है इसमें। क्योंकि शादियाँ होती हैं, जो गरीब परिवार होते हैं वो अपनी, जैसे बच्ची पढ़ी लिखी है शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुझे तो यही लगता है कि जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं उसमें शादी बड़े आराम से इनके हिसाब से कर दी जाती है, कोई पैसे का खर्चा नहीं होता। सर, जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं और आपका प्रोफेशन एक मेडिकल फील्ड में है आप, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो डॉक्टर के हाथ से ऊपर होती है कोई पेशेंट्स की, तो डॉक्टर ये कह देते हैं कि भाई आप तो आप परमात्मा की शरण में जाइए। तो परमात्मा जो शब्द है वो है परमात्मा, सुप्रीम गॉड, तो वो परमात्मा एक्चुअल में कौन है जिसका नाम सभी सदग्रंथों में दे रखा है? कौन है वो भगवान जो सबका मालिक एक है? क्या इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको ये ज्ञान हुआ? जी, पूर्ण परमात्मा साहिब कबीर हैं और जो है उन्होंने हर ग्रंथ से सिद्ध कर दिया है, प्रूफ विद प्रूफ के सारे जो इन्होंने लिखे हैं ग्रंथ उनमें सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा साहिब कबीर है। अन्य जो हम मान बैठे थे अन्य को भगवान, तो उनको उनकी हकीकत बताई है कि इनकी इतनी शक्ति है, इनकी इतनी शक्ति है और कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद सर क्या लाभ मिलते हैं जो और जगह नहीं मिलते? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पूर्ण परमात्मा ही इतना शक्तिशाली होता है कि जो हमारे पाप कर्म होते हैं उनका नाश वही कर सकता है, बाकी का और कोई भगवान हमारे पापों का नाश नहीं कर सकता है। जब हमारे पापों का नाश हो जाता है तो हम जो है मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बीमारियां भी खत्म होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद? ये बीमारियां तो ऑटोमेटिक खत्म होती है, इनके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। जब इनकी शरण में आदमी आ जाता है तो अपने आप ठीक होता चला जाता है और केवल इनसे यही इच्छा जाहिर करनी चाहिए कि हमें कैसे भी मुक्ति हो, हम अमर लोक में अमरता को प्राप्त करें। कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? इनके नंबर हैं चैनलों पे, तो उनको नोट करें और जो है जगह जगह पे व्यवस्था है, आश्रम है, उनमें जाके और नाम दीक्षा लेके जुड़ जाएंगे सर। धन्यवाद सर। सर सर, मेरा नाम संजीव दास है, मैं आगरा से हूँ, इस मेडिकल लाइन से हूँ और इस हमारी इस धरती पर जैसे कि हम मेडिकल लाइन से डॉक्टर इलाज करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता, और इस धरती पर हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस धरती पर, तो वो रियल डॉक्टर हैं। वो जैसे कि बीमारियां एड्स है, कैंसर है, ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, उनका पूर्ण रूप से इलाज है भी नहीं है अभी तक। तो इस संत रामपाल जी महाराज जो अपनी शरण में और नाम दीक्षा दे करके इस बीमारियों का पूर्ण रूप से तो मुक्ति कराई देते हैं, और दूसरी बात ये है कि इनसे मुक्ति कराने के बाद में मोक्ष भी दिलाते हैं वो। सर साहब, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का? सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है और हमारी आध्यात्मिक बीमारियों से सब मुक्ति मिलती है हमें। सत्सर्ग सत्सर्ग।